आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा। औद्योगिकरण होना चाहिए और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था।